आज की क्लास में चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, दैट इज जीन थेरेपी। ये सबसे क्रिटिकल वर्क है बायोटेक के वर्ल्ड में। ठीक है, अभी आपके सामने ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज अवेलेबल है। इसको देख के अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या समझ आ रहा है इसको देख के, तो आपका आंसर क्या होगा कि हमें इतनी बात समझ आ रही है कि यहाँ पे डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे कुछ एरर है उसके अंदर। जब एरर है तो क्या करेंगे हम लोग, एरर है तो उसको वहां से निकाल के उसमें कुछ करेक्ट करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मतलब इसको देख के जो समझ आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे सो देखिए, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि ये जीन थेरेपी हमने क्यों किया था, कहाँ अप्लाई किया था सबसे पहले, तो उसका आंसर क्या है आपके लिए कि जीन थेरेपी को हमने सबसे पहले, एक डेफिशिएंसी है, कौन सी डेफिशिएंसी है, जहां पे बॉडी में एडिनोसिन डी एमिनेज नाम का जो एंजाइम है ये कम हो जाता है, मतलब मिसिंग है। पहली बात समझ आई कि एडीए डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी मतलब तो कमी होता है, ये तो क्लियर है। तो एडीए डेफिशिएंसी क्या है, तो बॉडी में आपके एडिनोसिन डी एमिनेज नाम का जो एंजाइम है ये मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि ये एंजाइम अगर मिसिंग हो जाएगा तो हमें मतलब लॉस क्या है, इससे हमें क्या दिक्कत है। तो ये एंजाइम क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर ये एडिनोसिन डी एमिनेज किसी की बॉडी में ना हो तो इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। दोनों बातें। अब एक अगला यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमारे पास ये एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं है, मिसिंग है, नहीं बन रहा है, तो इसका रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि वो जीन वहां से माइनस हो गया है, डिलीट हो गया है, गायब हो गया है, जो रिस्पॉन्सिबल है एडिनोसिन डी एमिनेज को एक्सप्रेस करने के लिए। स्टोरी समझ आई, वापस रिपीट कर रही हूं मैं। मैंने बोला कि हम जीन थेरेपी को सबसे पहले कब अप्लाई करेंगे, मतलब किसके लिए हमने सबसे पहले अप्लाई किया था। तो एक एंजाइम है एडिनोसिन डी एमिनेज, वो जब बॉडी में मिसिंग है, किसकी वजह से मिसिंग है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने वाला जीन हमारी बॉडी में नहीं है। तो हम लोग अब इसकी रिकवरी करेंगे किसमें, जीन थेरेपी में। ठीक है, ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये आपका है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी जो आप पढ़ रहे हैं, और इसके करेक्शन के लिए हम लोग जीन थेरेपी अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि क्या किया जाए, अब इस कंडीशन में कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है। जैसे अगर आपको एक नॉर्मल सी कोई बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए कोल्ड हो गया, तो आप सबसे पहले सोचते हैं कि हम इसको क्योर कैसे करें। ऑब्वियस है, यहां भी वही करेंगे हम लोग। ये देखेंगे कि अगर ये डेफिशिएंसी है तो इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। तो उस सीरीज में यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या आता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये कोई बहुत इजी वर्क नहीं है, आपने काफी नाम सुना होगा, मूवीज में भी नाम सुना होगा इसका। ठीक है, तो सबसे और एक और चीज, दूसरी चीज, हम बोल तो रहे हैं और आपको सुनने में लग रहा है कि चलो ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा तो इसका क्योर हो सकता है, बट नहीं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होने के बावजूद भी एक और इसके साथ सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही करना पड़ेगा, और जिस वक्त में इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एक और तरीका है कि हम यहाँ पे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम को एक्सप्रेस करने वाला जो आपके पास आपने तैयार करके रखा हुआ है, उसको आप इंजेक्शन में फिल करके क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब तक वो काम करेगा तब तक वो पेशेंट जो है वो सरवाइव करेगा अच्छे से, लेकिन ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है ना। तो अगर हम बात करें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है,
माँ तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम इंजेक्शन के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, फंक्शनल एडीए दे रहे हैं, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है बोथ अप्रोचेज आर नॉट परमानेंट। दोनों में से किसी को भी ये समझने की गलती नहीं करनी कि ये परमानेंट क्योर है या पेशेंट को बिल्कुल भी करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, टेम्पररी है, और इसमें आपको पीरियोडिकली आपको इन ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आपने जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अब अगर बिल्कुल ही टाइप 2 डायबिटीज है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रहा, तो जिंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन से सर्वाइव करना। तो हम वहाँ भी तो यही बात बोलेंगे ना कि ये परमानेंट नहीं है, इसमें पीरियोडिकली उस पेशेंट को इंजेक्शन देने को के अपने मूल्य से 20 मिनट हाफ आवर देखो लेना चाहिए, उनके लिए लाइफ टाइम होगा। इसी तरीके से पेशेंट के साथ भी क्या है, अगर उसको हमेशा अगर ये एंजाइम रिप्लेसमेंट अप्लाई करें तो भी, और अगर इंजेक्शन के थ्रू फंक्शनल एडीए दिया जाए तो भी, ये दोनों उसको पीरियोडिकली कराना पड़े। एक बार गया बॉडी में खर्च हो गया, फिर दोबारा उसको देना पड़े। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, पेजेस का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए ये इमेज, अगर आप फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। बाकी चीज़ें तो आप समझ चुके हैं कि हम जीन थेरेपी कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो एडिनोसिन डी एमिनेट जो एंजाइम है, ठीक है, उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमें उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक पेशेंट उसकी खुद के बॉडी के ब्लड में से हमने लिम्फोसाइट्स को निकाला। पहली बात, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम उसी की बॉडी में से लिम्फोसाइट क्यों निकाल रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में 3 लिम्फोसाइट बैठा है जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन की है किसी भी तरह के, जैसे आपको एलर्जी होती है, दस पार्टी को ध्यान ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात है। तो क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 लिम्फोसाइट बैठा है, किसी भी एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो वहाँ पे जंप करना स्टार्ट करेगा, रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो रिजेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट के खुद के, ये समझने वाली बात है, बच्चे इसमें समझते हैं कि हम कहीं से भी लिम्फोसाइट लेके आएंगे, नहीं। जैसे कैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, बहुत सारे हीरोइंस ने या फिर हीरोज ने भी बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड में भी सर्जरी करा रखी है, प्लास्टिक सर्जरी। तो उनके खुद के बॉडी के ही किसी पार्ट से वो जो मसल है, टिश्यूज है, वो लिए जाते हैं रिजेक्शन के चांसेस से बचने के लिए। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिम्फोसाइट कहाँ से लिया गया है, जो पेशेंट है उसी के ब्लड में से लिया गया है। ठीक है, तो जीन थेरेपी जो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें लिम्फोसाइट हमने कहाँ से लिया है, पेशेंट के ब्लड से, और कहाँ मिलेगा, लिम्फोसाइट ब्लड में ही तो मिलेगा। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब कंडीशन। फिर हमने क्या किया, लैब के कंडीशन में उन सारे लिम्फोसाइट्स को ग्रो किया। ठीक है, ये पहला स्टेप याद हो गया सबको, वापस रिपीट कर रही हूं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लिम्फोसाइट को लिया पेशेंट के खुद के बॉडी के ब्लड से, उसको लैब के कंडीशन में हमने ग्रो कराया, बस। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। अब हम यहाँ पे रेट्रोवायरल वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं कि रेट्रोवायरल वेक्टर जो है, रेट्रोवायरस द वायरस विच कंटेन्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी खासियत क्या है कि इसके पास पावर है कि आरएनए से डीएनए बना सकता है। फिर हमने क्या किया, उसको इन लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो तुरंत क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। ठीक है, और विच आर सब्सिक्वेंटली गिवन टू द पेशेंट। तुरंत उसको क्या किया जाता है, जैसे ही वो देखता है कि तैयार हुआ है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तुरंत पेशेंट को दे दिया जाता है। अब ये सेल बेचारे अमर तो है नहीं, मॉर्टल तो है नहीं,
पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, यानी इस प्रोसेस से उसको बार बार गुजरना पड़ेगा अगर उसको सर्वाइव करना है, लाइव रहना है। तो ये आपका क्या था, ये हमने देखा यहाँ पे कि कैसे आप क्या करेंगे अगर आपको जीन थेरेपी अप्लाई करना है, और हम लोग वहां पे एक फंक्शनल एडीए मतलब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये सारे स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक अगला क्वेश्चन अराइज होता है, कोई भी बच्चा पूछेगा ऑब्वियस है, जब भी कोई डिजीज होती है इवन डॉक्टर के पास गए, एक फैमिली है उसमें से लोगों ने देखा कि भाई एक फैमिली मेंबर को कोई ऐसी बीमारी हो गई है, सबसे एक पहला क्वेश्चन जो निकलता है ना मुंह से वो यही होता है, ये ठीक तो हो जाएगा ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। आप याद करके देखिए, ध्यान देके देखिए, कभी अगर किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी बीमारी बता दी किसी को कि जिसका, आप सर्दी खांसी के लिए मैं नहीं बोल रही, तो पता है कि भाई क्योर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कोई ऐसी बीमारी होती है लोगों ने नाम नहीं सुना, लोगों के लिए न्यू है या फिर उससे फेमिलियर नहीं है, नहीं जानते हैं, पहला क्वेश्चन यही होता है कि ठीक तो हो जाएगा ना, ये हमेशा के लिए ठीक तो हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो उससे रिलेटेड है। तो उसी तरीके से यहाँ हम लोगों के पास भी एक क्वेश्चन आता है कि इसकी परमानेंट क्योर के लिए आखिर हम लोग क्या करेंगे। तो परमानेंट क्योर के लिए हमें बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या करना पड़ेगा कि मैरो सेल में से अगर हमने जीन को आइसोलेट कर लिया, अगर हमने निकाल लिया, ठीक है, और निकालने के बाद क्या किया हमने, एडीए प्रोड्यूस करने वाले जीन को अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही इंसर्ट कर दिया, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, ठीक है, तब ये परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है। और सबसे पहली चीज जहां से आपके बुक ने इसको स्टार्ट करा है, इस टॉपिक को, जीन थेरेपी को, तो ये सिंपल सी बात है कि पहला क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 1990 में, 1990 में एक 4 साल की गर्ल में किया गया था, जिसको एडिनोसिन डी एमिनेस डेफिशिएंसी हो रखी थी उस गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक था जीन थेरेपी। अब ये जो जीन थेरेपी अभी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, अगर मुझे बोला जाए तो मैं तो ये क्वेश्चन मस्ट और जरूर डालू। रीजन क्या है, और आता भी बहुत ज्यादा है, रीजन क्या है इसके आने का, कि ये बायोटेक के फील्ड में भी नया है, बच्चों के लिए भी नया है, और समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो अगर किसी बच्चे को चेक करना हो कि उसने पढ़ाई करी है या नहीं करी है तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये हम लोगों ने अभी एक टॉपिक कवर करा, जीन थेरेपी। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल?